जिला अधिकारी के पास शिकायत पत्र लेकर आए गांव चक्रवाला तहसील धनोरा गांव गजरोला के ग्रामीण पूछताछ करने पर बताया कि हमारे गांव में चकबंदी चल रही है और चकबंदी में जमीन न जाने के लिए हमने चकबंदी सीओ को 1,00,000 की रिश्वत बसंत होटल में दी और हम 27 लोग हैं। रिश्वत का पैसा हम 27 लोगों ने आपस में डाल कर दिया था। रिश्वत देने के बाद भी हमारी जमीन चकबंदी में काट ली और हमारे खेतों में सड़क निकाल दी। ग्रामीणों ने कहा कि 50 साल से चल रही सड़क को हटाकर सीधे हमारे खेतों में निकाल दिया गया और रिश्वत के पैसों का भी गमन कर लिया गया और हम सीओ चकबंदी साहब के पास जाते हैं तो वे हमसे बात तक नहीं करते, इसलिए हम मजबूर होकर आज जिला अधिकारी महोदय के पास शिकायत पत्र लेकर आए हैं और उनसे अपील करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। चकनवाला थाना कौन सा लगता है? तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील धनोरा। बताइए क्या हमें किसान हो गया? हमारी परेशानी ये है कि सीओ साहब ने हमसे मांगे रुपए, हमने 1,00,000 रुपए सीओ साहब को गजरौला बसंत होटल में दिए, आपस में ढाल के दिए ना, दिए बताओ सब ने ढाल के किस मामले के लिए? चकबंदी की तुम्हारी कोई भी परेशानी नहीं होने की, ना तुम्हारी जमीन कटने की, ना कुछ होने का। अब सड़क जहाँ जहाँ है सड़क जहाँ है वहाँ की वहीं रहेगी, काला डामर वो भी सब हटा दिया और हमें जो है आज की तारीख में बहुत बड़ा नुकसान दे दिया। क्या नुकसान दिया तुम्हें बताओ? हमारी जमीन काट दी सब, हमारे खेतों में सड़क कर दी। हाँ, कितने लोग परेशान हैं इससे? इससे हम 26-27 आदमी परेशान हैं। अच्छा, सीओ साहब से इस बारे में कहते हैं, कहते हो तो क्या कहते हैं वो? सीओ साहब कहते हैं कि भागो तो लोगे तो और अभी हमारी जमीन में सड़क। हाँ, डीएम साहब के पास आए हैं, उनसे मुलाकात हुई, क्या बात? डीएम साहब के पास भी आए, एडीएम साहब के पास भी आए हैं। अभी सुनवाई जो है उन्होंने ये कही है कि हम अभी जो उसकी निगरानी कर रहे हैं।